नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। प्रयास वेज किचन एंड ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो लास्ट तक देखें, पसंद आता तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो आज की रेसिपी है मेथी और तीन तरीके के मिक्स दाल के साथ मेथी दाल बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने आधा कप लिया है तुअर दाल है, उसका आधा लेंगे तुअर दाल और चना दाल बराबर लेंगे, और उसका आधा है यानी कि आधा कप है तुअर दाल, उसका आधा छिलके वाली मूंग दाल और आधा कप ही चना दाल, आधा कप से थोड़ा कम ही है चना दाल। तो इस तरीके से ये तीन तरीके के दाल के साथ बनाएंगे। आप इस रेसिपी को सिंपल जो दाल बनाते हैं या मेथी बनाते हैं अलग अलग, तो एक बार इस तरीके से मेथी दाल बनाइए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसको चावल के साथ बहुत ही अच्छा जाएगा, पराठा रोटी के साथ भी जाएगा बहुत अच्छा। तो सबसे पहले दाल को धो लिए हैं और अब कुकर में दाल को उबाल लेंगे। दाल को अच्छे से दो से तीन पानी से धो लिए हैं। अब दाल में जाएगा एक तेज पत्ता, जिसको मैंने दो टुकड़े करके दे दिया है। इसमें थोड़ा सा हल्दी, चौथाई चम्मच हल्दी, और पानी डाल देते हैं। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, दाल से थोड़ा सा ऊपर, ऐसे कैसे आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी के हिसाब से डालिए, नमक स्वादानुसार। और अब सबको थोड़ा सा एक दो बूंद इसमें मैंने सरसों के तेल डाल दिए हैं, और अब ढक्कन लगा देंगे। तो कभी कभी डेली के जो चावल दाल आप बनाते हैं और प्लेन दाल खाते खाते यदि मन उग जाता है तो आप इस तरीके से सिर्फ एक दाल भी बना लेंगे। तो मेथी जिनको नहीं भी पसंद है, तो मेथी चूंकि हेल्दी भी होता है तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी खाएंगे। अब दाल जब तक सीटी दे रहा तब तक मैंने टमाटर काट लिया, अदरक है तो देखिए, और मेथी को भी धो करके रख लिए हैं। दाल हो गया इस तरीके की कंसिस्टेंसी मैंने रखी है दाल की। अब कढ़ाई चढ़ाएंगे। डेली के ही मेरे वीडियो पे चैनल पे आपको डेली के ही खाने में थोड़ा सा ट्विस्ट करके आप डेली के खाने को भी कैसे टेस्टी और अच्छा बना सकते हैं वो ही मैं बताती हूँ। ये घी से तड़का लगा रहे हैं, तो एक चम्मच घी लिया है, सरसों के दाने चौथाई चम्मच, जीरा उस एक चुटकी, हींग चौथाई चम्मच, हींग डाइजेशन और फ्लेवर दोनों देता है, एक हरी इलायची, दो लौंग, और अदरक को अब घस करके दे देंगे। आप इसको पीस करके भी दे सकते हैं, लेकिन घसने से क्या होता है ना, इसके जो छोटे छोटे लच्छे होते हैं ना वो बहुत ही अच्छा आता है दाल में टेस्ट उसका। और टमाटर मैंने एक लिया था, उसको रफली काट के, आप थोड़ा महीन ही काटा है उसको डाल दिए हैं, या तो आप टमाटर में थोड़ा नमक डाल दें जल्दी गलने के लिए, या ऐसे आप ढक करके इसको स्लो पे अच्छे से टमाटर को गला लें। टमाटर हो गया है, अब इसमें जाएगा हल्दी, क्योंकि दाल में हमको कम लग रहा था, छिलके वाली मूंग दाल लिए हैं तो थोड़ा सा हल्दी कम लगा, और भुना जीरा पाउडर चौथाई चम्मच डाले हैं। अब मेथी डाल देंगे, मेथी 250 ग्राम होगा। अब इसको मीडियम फ्लेम पे इसको भून लेना है बिना ढके हुए, जिससे इसका जो हरापन होता है ना वो कायम रहता है, ढकने के बाद थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, और तुरंत चूंकि लीफी वेजिटेबल है तो तुरंत ही गल भी जाता है। अब मेथी अच्छे से भून गया है तो इसमें दाल को डाल देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, हरा और पीला देखने में, देख के ही खाने का मन करता है। तो इसको बस अब एक उबाल आने देंगे और दो मिनट इसको स्लो पे रखेंगे। तो उबाल आ गया है और दो मिनट हो गया, तो अब गैस को बंद कर देंगे। तो ये आपको क्या है, ज़्यादा मसाले वाले नहीं, आप लोग चाहे तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे तीखा होता है तो वो आप पे डिपेंड करता है यदि तीखा पसंद करते हैं तो, नहीं तो ये प्लेन दाल है जो बच्चे बूढ़े सभी बड़े सभी खाएं। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर मेथी दाल बनाइए, देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी जिसके साथ बहुत ही अच्छा जाता है, या आप ऐसे भी इसको सूप के जैसा पीना चाहेंगे तो भी अच्छा लगता है। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी बताइएगा।
और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम